हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाहिन रियाज और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक ऑपरेशन के बारे में स्टार्टिंग की थी, उसके दो ऑपरेशन पढ़े थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम अभी बना रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बारे में विद एग्जाम्पल ऑफ आर्डर पेयर एंड एज सिंपल। ठीक है, अब दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आर्डर पेयर में वो कैसे सॉल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन और डिवीजन का क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि इसके फार्मूलाज क्या हैं। पहले मल्टीप्लाई हमें पता है सिंपल रियल नंबर्स का, वैसे किसी भी नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पर कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लीकेशन का आइडिया ही डिफरेंट है। उसमें हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मिले हों तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Z1 और Z2 मुझे सपोज नंबर मिले हैं। Z1 मिला हुआ है a प्लस बी आयोटा और सेकेंड मिला हुआ है मुझे Z2 इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। तो इसमें क्या होगा, मुझे इसका फार्मूला ये डिराइव हुआ है जो ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी, इसके हिसाब से या इसके मुताबिक मुझे अकॉर्डिंग सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर डायरेक्टली। अब इसका एग्जाम्पल विदाउट आर्डर पेयर पहले करते हैं, फिर हम आर्डर पेयर में भी जाकर इसको सॉल्व करेंगे। अब पहला एग्जांपल है Z1 इज इक्वल टू 4, 5, ठीक है, ये आर्डर पेयर है। ठीक है, उसके बाद एंड Z2 इज इक्वल टू 6, 7, ये हमारा एक आर्डर पेयर का क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। आइए अब देखते हैं हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सॉल्यूशन Z1 मल्टीप्लाई का पता है, या तो मैं डॉट दे देता हूँ या मल्टीप्लीकेशन की सिंबल, दोनों तरीकों से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, Z1 into Z2 is equal to किसके होगा, AC। AC क्या है हमारा, A हमारा ये 4, B 5 है, C हमारा 6 है और D हमारा 7 है। इनको बस सिर्फ इस फार्मूला में पुट करें और रिजल्ट आपका आ जाएगा। देखें A हमारा क्या है 4, ठीक है, और C हमारा क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है मुझे 4 मल्टीप्लाई 6, माइनस की सिंबल दे देनी है, दे दिया। नेक्स्ट हमारा B क्या है 5 और हमारा D क्या है 7, ये हमारा पहला पोर्शन सॉल्व हो गया। अब गामा दे देनी है, ठीक है, आर्डर पेयर के हिसाब से। अब उसके बाद क्या करना है, A को मल्टीप्लाई करना है फिर D से, A हमारा 4 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय D, D हमारा 7 है, उसके बाद एडिशन की सिंबल दे दें, ठीक है, उसके बाद B मल्टीप्लाई करते हैं, B हमारा 5 और D हमारा 7, इसको मल्टीप्लाई करें और इसको सॉल्व करते हैं, इसको ब्रैकेट को मजीद 4 × 6, 24 माइनस 5 × 7, 35 कामा 4 × 7, 28 5 × 7 + 35। अब देखते हैं इसका मजीद सॉल्यूशन, 24 में से 35 गए तो हमारे कितने बचेंगे, अब आ जाते हैं माइनस के, 9 बचेंगे, ठीक है, क्योंकि 35 माइनस के हैं और 24 प्लस के हैं, कामा दे देंगे। 28 और 35 कितने होते हैं, 5 और 8 13, एक ऊपर इसके, ठीक है, 3 और 3 6 63, अब ये हमारा आंसर है 9, -9, 63, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट है रियल और ये पार्ट है हमारा सेकेंड वन इमेजिनरी, ठीक है। ये हमें आर्डर पेयर के सॉल्यूशन मिल गया, मल्टीप्लीकेशन आपको उम्मीद है समझ आई होगी आर्डर पेयर के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम आर्डर पेयर के विदाउट सॉल्व करेंगे, देखें वो कैसे होता है, ये आप नोट करते जाएं साथ साथ, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखने लगा हूँ वो भी आप देखें और समझें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हैं। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं दूसरा, ठीक है, जेड वन विदाउट आर्डर पेयर, ठीक है, जेड वन मेरा मिला हुआ है 1 + 5 आयोटा एंड जेड टू मिला हुआ है मेरा, ठीक है, 4 + 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करना है सिमिलरली और ये आर्डर पेयर में नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन सिमिलर फार्मूला, Z1 मल्टीप्लाई Z2 या डॉट दे दूँ वो भी मल्टीप्लीकेशन कंसिडर होता है हमारा। अब आ जाए Z1 मल्टीप्लाई Z2, हमें पता है A into C, A C क्या है 1 × 4, ठीक है, 1 × 4 माइनस, ठीक है, B into D, B हमारा क्या है 5 और D हमारा क्या है 3, ठीक है, 5 × 3। बस यहाँ पे आपने आयोटा नहीं देना अभी, क्योंकि सेकंड पोर्शन आता है वो उसमें हम आयोटा ऐड कर देते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पोर्शन पे, अब इसको सॉल्व करते हैं, ए डी, ए हमारा क्या है 1, ठीक है, डी हमारा क्या है 3, ठीक है, उसके बाद एडिशन की सिंबल दे देनी है, बी हमारा क्या है 5,
ठीक है, आयोटा को भी कंसीडर नहीं करना। और उसके बाद ये हमारा प्लस सी, सी हमारा क्या है 4, ठीक है, ये अब सॉल्व कर दें। अब सेकंड पोर्शन आप जैसे सॉल्व करेंगे इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, हमने सॉल्व करें, ठीक है, 1 × 4 = 4 माइनस 5 × 3 = 15, ठीक है, आप एडिशन की सैम्पल दे दें, 1 × 3 = 3, 4 × 4 = 5 = 20, ठीक है, इसको अब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। 4 × 4 - 15 हमारा कितना होगा -11, ठीक है, उसके बाद 3 + 20 ये हमारा कितना हो जाएगा 23 आयोटा, ठीक है, ये हमारा विदाउट आर्डर पेयर जो हमने सॉल्यूशन निकाला, ये हम आपको समझ आई होगी। हम डिवीजन की तरफ, तो डिवीजन का क्या मेथड है और क्या फार्मूला है, पहले हम फार्मूले को समझ लेते हैं। डिवीजन का फार्मूला है a × c + b × d डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर और d का स्क्वायर, और कामा दे देनी है b × c - a × d c² + d² अब मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ थ्रू आर्डर पेयर जो आपको समझना है, ठीक है। अब आते हैं, मैं एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने हमारा z1 लिया हुआ है 1, -3 और z2 लिया हुआ है 2, 5। सॉल्यूशन मुझे फाइंड क्या करना है, z1/z2 मींस डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब सॉल्यूशन देता हूँ, मुझे क्या करना है, सिंपल इन टर्म्स को उठाना है और इस फार्मूला में पुट करना है, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा डिवीजन का। अब सॉल्यूशन z1/z2, पहले मैं फार्मूला को रीराइट कर लेता हूँ, ac + bd, ठीक है, डिवीजन में c² + d² कामा दे देनी है, ठीक है, उसके बाद bc - ad c² + d² अब सिर्फ वैल्यूज पुट करें और रिजल्ट आपके सामने होगा। अब देखें a × c, a हमारा क्या है 1, ठीक है, अब 1 × c, c हमारा क्या है, क्वेश्चन में देखें c हमारा 2 है, ठीक है, उसके बाद एडिशन की सैंपल दे देनी है, b मल्टीप्लाई करना है, b है हमारा -3, ठीक है, उसके बाद b × d, d हमारा क्या है 2 × 3 × 5, अब c का स्क्वायर और d का स्क्वायर, c का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर और d का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देना है, एडिशन की सैंपल देनी है और 5 का स्क्वायर, इधर भी इस साइड भी c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब आते हैं इसको मजीद सॉल्व करते हैं, b × c, b हमारा क्या है -3, ठीक है, c हमारा क्या है 2 और नेगेटिव की साइन दे देनी है, उसके बाद a × d, a हमारा है 1, d हमारा है 5 मीन्स 1 × 5। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका मैथमेटिकली, 1 × 2 = 2 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 3 × 5, 3 माइनस का है 5 पॉजिटिव है तो ये माइनस का 15 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, कामा दे देनी है, ठीक है, उसके बाद सेकेंड को सॉल्व करते हैं, -3 × 2 - 6 होगा, उसके बाद माइनस सिमिलर रहेगी, ठीक है, और 1 × 5 = 5 रहेगा, ये हमारा 5 हो जाएगा और डिवाइड में 4 + 25, ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 2 - 15 मीन्स -13 अपान 4 + 25 मीन्स 29, कामा दे देनी है आपने, -6 और -5 -11, ठीक है, डिवाइड में दे देना है 29। अब आपने एग्जीमाइन किया होगा, ये हमारा फर्स्ट रियल पार्ट होता है और ये सेकेंड हमारा इमेजिनरी पोर्शन होता है, ठीक है, अब ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ -13/29, ये हमारा माइनस का है तो मैं -11/29 आयोटा इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये भी आंसर है हमारा। अब मैं इसके आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो आपने होमवर्क के तौर पर करके आना है अपना और सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है, ये आपने एग्जाम्पल, ये होमवर्क आपने सॉल्व करना है। अब देखें एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, अब ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, z1 आपको मिला हुआ है 1 + 2 आयोटा एंड z2 मिला हुआ है आपको 3 + 4 आयोटा, ये आपने इसकी डिवीजन फाइंड करनी है विद आर्डर पेयर और विदाउट आर्डर पेयर दोनों तरीकों से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को भी पुट करें। थैंक्स।